अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख नदीम, आपका ट्रेनर। आज एस्पायर की एक नई ट्रेनिंग के साथ आज हम एस्पायर की कुछ नई टेक्निक सीखेंगे। होपफुली ये आपके लिए बिल्कुल एक नया टूल होगा। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। इस टूल की मदद से आप निटिंग कर सकते हैं। निटिंग डिज़ाइन जो होते हैं, जैसे किसी चेयर की सीट की जो बनाई हुई होती है, जो उसके ऊपर निटिंग हुई होती है, वो किस तरह से बनाई जाती है। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं एक नई फ़ाइल के साथ। उसी तरह से हम फ़ाइल की सेटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फ़ाइल का साइज़ जो है वो 12" x 12" x 1 करता हूँ और इसका XY डेटम जो है वो मिड में लिया जाएगा। और कलर आप यहाँ से इसको एक तो वेरी हाई, क्योंकि हम 3D पे काम कर रहे हैं, उसकी जो मॉडलिंग रेजोल्यूशन है उसको वेरी हाई पे रखें। और यहाँ पे कोई भी उसको आप ग्रीन वुड का मैं इफेक्ट देता हूँ, यानी आपने जिस किस्म का वुड इफेक्ट लेना है वो यहाँ पर आप उसको दे सकते हैं। तो ये चेरी है, कोई भी कलर आप यहाँ पे उसको दे सकते हैं। तो ये हमारे पास 12" x 12" का ये कैनवस है, ये एरिया है जिस पे हमने काम करना है। मैंने आपको बताया कि हम लोग आज स्ट्रिप की जो बुनाई होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर से गुजार के जो स्ट्रिप से किसी भी सीट या किसी चेयर को बुना जाता है, वो डिज़ाइन में कैसे लेके आते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक लाइन लेना होगी। मैंने लाइन की कमांड यूज़ की और किसी एक पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और इसकी जो वाई डायरेक्शन है, डायनामिक वाई में मैं उसको -10 वैल्यू पुट करता हूँ, यानी नीचे की तरफ वो से 10 लेंथ जो है वो बना दे। इसको क्लोज करते हैं। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद है। इसको मैं एक साइड पे करूँगा और यहाँ अरे में आ जाए। मैं इसको जो बिटवीन गैप है एक्स की तरफ, इसका मैं एक गैप देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 0.5 का। ऐसे 0.5 का गैप दिया। इधर हमें कोई गैप देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ x की तरफ इसको लेके जाना है। तो रोज़ इसकी हमें एक ही चाहिए और जो कॉलम है वो अब आप ज़रा समझिएगा। हमने लाइन की लेंथ रखी है 10 इंच। तो जब 10 इंच की लाइन को हम 0.5 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे 20 लाइनें बनेंगी इस एरिए को कवर करने के लिए। तो मैं इसको ग्रुप के साथ कॉपी करता हूं। तो यहाँ पे ये 10 लाइनें बन चुकी हैं। इसे क्लोज करते हैं और इसको कॉपी करें। कॉपी करके मैंने वापस पेस्ट किया और इसको यहाँ पे रोटेट करवा दें। ये रोटेट के लिए मैंने इसे 90 डिग्री पे रोटेट किया। तो ये बेसिकली डबल जो है वो, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड पे ये लाइंस बन गई हैं। मैंने कॉपी पेस्ट की मदद से इनको डुप्लीकेट बनाया था। अभी यहाँ पे अलाइनमेंट में आ जाए और मैं इसको शीट की अलाइन करता हूँ। ये आपने देखा शीट की अलाइन हो गया और इसको क्लोज करें। तो नाज़रीन हम चूँकि यहाँ पे एक स्ट्रिप को बुनने जा रहे हैं, एक स्ट्रिप का बुनने का इफेक्ट लेने जा रहे हैं, तो हमें उसका क्रॉस सेक्शन भी बनाना होगा। सपोज मैं यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट के सामने मैं एक लाइन लगाता हूँ। सपोज ये मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे देता हूँ। हमने उनका जो साइज रखा हुआ है, एक सेंटर लाइन से दूसरी सेंटर लाइन का 0.5 है। तो मैं यहाँ पे 0.25 विड्थ और 0.125 हाइट के साथ एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। रेक्टेंगल देखें मिड में बन चुकी है। यहाँ पे ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे बाहर एक साइड पे ले आता हूँ। ये एक रेक्टेंगल हमने जो ड्रॉ कर ली। अब इस रेक्टेंगल के ऊपर कुछ थोड़ा सा काम करना होगा। ये देखें इंसर्ट अ पॉइंट, ये पॉइंट ऐड करवाया और इसको थोड़ा सा नीचे कर दें। अच्छा, ये अब आप पे है कि आप जो डिज़ाइन स्ट्रिप का जो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो कैसा बना, नीचे की तरफ करना है या ऊपर की तरफ करना है। अगर ऊपर की तरफ करना है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये देखें इसको यहाँ पे मैं करता हूँ स्मूथ पॉइंट। ठीक है, इसको यहाँ पे स्मूथ पॉइंट कर लें और फिलेट की कमांड यूज़ करें। 0.303 का मैं फिलेट लेता हूँ और इधर फिलेट दिया और इस साइड पे फिलेट दिया। लाइन लूँगा, लाइन की कमांड ली, लाइन की कमांड जो है वो यहाँ से मैं इसके जो अब हमारे पास ये मिड बचा, इस मिड के ऊपर ये लाइन लगाई और इसको सीधा गुजार दें। सीधा क्यों गुजार रहे हैं मैं ये भी आपको बाद में बताता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा इसको मूव किया। अब एक्चुअली मैं इसको ट्रिम करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही ट्रिम की कमांड यूज़ करूँगा, एक तो ये है कि हमें ये ऑप्शन यहाँ पे रीजॉइनिंग का ऑप्शन ऑफ कर दें, तो फिर ये लाइन को आपस में जोड़ेगा नहीं। लेकिन चूंकि मैंने लाइन दोनों साइडों पे एक्स्ट्रा कर ली, एक मैं आपको वैसे सा टिप दे रहा हूँ, मैंने लाइन को थोड़ा सा ओवर कर दिया। अब मैं यहाँ से जब इसको काटूंगा तो ये लाइन अलहदा रहेगी, इसके साथ जुड़ेगी नहीं। जो इसमें मैं आपको एक्चुअली टिप देना चाह रहा था वो मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये देखें, मैं अगर इस फॉर्म में ये फीचर ऑन रख के इसको ट्रिम करवाऊँगा तो ये लाइन इसके साथ जुड़ जाएगी। तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ी सी एक टेक्निक यूज़ की कि इस लाइन को मैंने ओवर कर दिया, क्योंकि जब एंड एंड से मिलेगा नहीं तो वो उसको जुड़ेगा कैसे। तो मैंने ये इसको यहाँ पे कट किया और इस लाइन को यहाँ से रिमूव किया, तो वो जुड़ी हुई लाइन नहीं है। तो ये हमारे पास उसका क्रॉस सेक्शन बन गया। इसकी हाइट आपके इल्म में होनी चाहिए। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, जैसे आप उसके साइज पाएंगे तो इसकी हाइट है 0.08। मैं इसको 1 कर देता हूँ। इसके लिंक ऑफ करें, मैं यहाँ से उसको 0.25 करता हूँ। तो ये इस तरह से 0.1 और 0.25 इसका साइज हो गया। अगर आप इसको मज़ीद बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, ये आप पे है, आप इसको कैसे देख रहे हैं, यानी कि ये जो उसकी विड्थ एक्स पोजीशन की तरफ होगी उसका हाफ वाई की तरफ हो जाएगा, तो ये बनेगा। लेकिन चूंकि अब हम डिज़ाइन पहले से उसका एडजस्ट कर चुके हैं, सो हमें इसको फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने एक क्रॉस सेक्शन बनाया। नाजिन, बड़ी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है। मार्केट में चूँकि लोगों से रब्ता रहता है मेरा, लोग काम शाम के लिए मिलते रहते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो मार्केट में लोगों को नहीं पता, जिनके बारे में अभी रिसेंटली एक क्लाइंट था जिसको ये रिक्वायर्ड था डिज़ाइन, बड़ा परेशान था और उसे चूँकि पता नहीं था, तो वो मेरे पास आया कि जी ये मसला इसमें आया कि मैं ये काम कैसे करूं। तो मैंने फिर सोचा कि चलो उसको तो मैंने करके दे दिया, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये दिया जाए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, बहुत सिंपल है। इसको कंप्लीट करते हैं। आप तमाम लाइंस को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, 3D मॉडलिंग में आ जाए। 3D मॉडलिंग में हमारे पास कमांड मौजूद है, क्रिएट अ शेप। ऑलरेडी आपने वो तमाम ऑब्जेक्ट जो ग्रुप किए हुए हैं उनको सिलेक्ट किया और यूज सिलेक्शन पे आ जाए। अब ये यूज सिलेक्शन कौन सी है, ये बेसिकली जो क्रॉस सेक्शन है उसका, मैं उसको सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। क्रॉस सेक्शन कौन सा है, ये हमने जो भी डिज़ाइन किया था, इस क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट करें, 3D व्यू पे आ जाए और यहाँ पे इसको आप अप्लाई कर दें। तो देखिएगा उसने ये एक डिज़ाइन बना दिया। आप इस डिज़ाइन को अगर इस तरह से 3D में करके देखेंगे तो ये देखें, बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है, एक दूसरे के अंदर से पेनिट्रेट होती हुई ये स्ट्रिप्स आर पार गई हुई हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि हमने इसकी निटिंग करनी है, बुनना है, एक दूसरे के ऊपर नीचे से इनको गुजारना है। तो उसके लिए हम हमारे पास ये देखें, वेव अंडर ओवर एट द क्रॉसिंग, ये एक फीचर है हमारे पास। आप इस फीचर को ऑन करें। अभी मैं एज इट इज़ ही इस फीचर को यूज़ कर रहा हूँ और इसे अप्लाई कर दें। तो ये देखिए जी, जबरदस्त, ये वो ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप इन्हीं तमाम लाइंस को वेव्स की शक्ल में, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुजार सकते हैं। और ये आपने देखा कि जो किसी चेयर वगैरह को बुना जाता है तो उसके अंदर ये वाला डिजाइन बनता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये जो आपने इसको साइज दिया हुआ है, ये उस साइज के मुताबिक ऑटोमेटिकली इसको अप एंड डाउन कर रहा है। ये इसका बिल्ट इन फीचर है। ये इसका अप एंड डाउन जो फीचर है ये उसने खुद किया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाए हमारे पास वेव के डायलॉग के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं, स्केल शेप एंड एड बेस। तो सबसे पहले तो हम स्केल शेप को देखेंगे। यहाँ पे जेड अंडर और जेड ओवर। जेड अंडर कितना है, यानी इस जो हमने उसको लाइन दी थी, जो क्रॉस लाइन थी, उनको Z नीचे कितना कर रहा है और Z ऊपर कितना कर रहा है, यानी 70% नीचे है और 130% ऊपर है अप्रोक्सीमेटली, जितना नीचे उतना ही ऊपर हुआ हुआ है। यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा चेंज करके देखें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको 100% नीचे कर रहा हूं, अप्लाई करें। अब यहाँ पे ना किसी एक को फोकस करें, देखिएगा यहाँ पे मैंने जैसे ही अप्लाई किया तो ये देखें वो 100% नीचे चला गया, यानी वो जो उसका लेवल बन रहा है, यानी जो वेव अप एंड डाउन कर रहा है, तो वो जो अंडर थी वो उसने जीरो किया, तो अब वो उसके लेवल पे आ गई। अच्छा 100% थे ना, मैं इसको यहाँ पे देखें 47% 46% पे करता हूँ। अब जरा समझिएगा, ये देखें उसने और डाउन कर दिया, यानी ये वाली जो पोजीशन है ये देखें ये स्टेप डाउन हुई है, ये ऊपर नहीं हुई, ऊपर की तो वैल्यू अभी हमने छेड़ी नहीं है, ये एक्चुअली ये स्टेप यहां से डाउन हो गई है। मैं इसको 10% कहता हूं, अप्लाई करें तो ये देखिएगा और स्टेप यहां से पतली होती जा रही है। अब इसी तरह से ओवर वाले को मैं 100% कहूंगा, तो 100% का मतलब ये है कि वो जहां पे थी वहीं पे रहेगी। इसको अप्लाई कर दें, ये देखें। अच्छा अब इसमें नुकसान हमें ये हो रहा है कि ये एरिया उसका बहुत ही पतला हो गया है, बहुत कमजोर हो गया, तो हमें एक्चुअली तो ये चीज नहीं चाहिए, हमें तो जो ये वाला काम है वो ऐसे नहीं करना। इसको वापस चलते हैं, इसको यहाँ पे 70% करते हैं और इसको 130 या 140% करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। तो अब इसमें फायदा ये होगा कि इसके नीचे से बेस जो है वो भी सॉलिड बन जाएगी। ये देखें यहाँ से इस एरिया को अगर देखते हैं तो ये जितना इस पॉइंटर से देखें जितना अप साइड पे है उतना यहाँ से डाउन साइड पे अप्रोक्सीमेटली, यानी जीरो लेवल से उसने 140% यानी उसने अप साइड पे किया 140, डाउन साइड पे किया 70। तो इस तरह से हमारे इस डिजाइन की लुक निकल आई। और दूसरा आप गौर कीजिएगा, इसके ऊपर ये हल्का सा उभार है अप साइड दरमियान में, यानी ऐसे ऐसे उभार है, तो ये कौन सा उभार है? वो जो हमने क्रॉस सेक्शन दिया था। हाइट इसकी जो है वो उसके मुताबिक सेट हो रही है। अच्छा यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, देखिएगा ये हमारे पास है क्रिएट द स्क्वायर कॉर्नर। अब चूंकि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं, इनमें कहीं पे बेंड नहीं है, एक शार्प कॉर्नर नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये फीचर यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। ये फिलहाल मैं इन फीचर्स को डिस्कस नहीं कर रहा। आगे आ जाइए, हमारे पास है एड बेस। अच्छा पहले स्केल शेप था, अब एड बेस। मैं इस डिजाइन को थोड़ा सा जूम करता हूं, आपने जरूर इसको गौर से देखना है। मैं अप्लाई करता हूं, ये देखें अब उसने उस डिजाइन के नीचे एक एक्स्ट्रा बेस ऐड कर दी है। ये बेस समझ ली कि उसने उसको उभार दिया है, जो उसका अपना जो एक साइज था, जो क्रॉस सेक्शन में हमने जो साइज दिया हुआ है उससे भी अजाफी उसने एक एक्स्ट्रा वैल्यू देके उसको उभार दिया है। अब इसको अगर मैं यहां से वैल्यू उसकी चेंज करता हूं, मैंने इसको 50% किया तो अप्लाई करें। वो जो पहले आपने देखा था जब हमने ये वैल्यू कम की थी तो ब्राउन हो गया था, नीचे सरफेस के साथ डिजाइन लग गया था जाके, उसकी अपनी थिकनेस उसमें खत्म हो गई थी, लेकिन अब उसमें वो थिकनेस मौजूद है। मैं यहां से उसको 10% कहता हूं और इसे यहाँ पे अप्लाई करवाते हैं। ये देखें 10% पे जाके नीचे बेस की थिकनेस मौजूद है। अगर मैं यहीं पे उसकी स्केल शेप करता हूं, यानी वो अपनी शेप के साथ अपना स्केल सेट करेगा, तो अब गौर कीजिएगा उसकी नीचे जो एक्स्ट्रा थिकनेस है वो खत्म हो गई है। तो ये एक्स्ट्रा थिकनेस हमें जरूरत पड़ती है अपने डिजाइन के लिए। इट्स अप टू यू कि आप इसको बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, ये आपका अपना मामला है। तो इतने में आप देखिए मैंने जैसे इसको अप्लाई किया, क्लोज किया, तो ये डिजाइन आपके पास 3D में मौजूद है। और ये वो डिजाइन है जो आप लोगों के लिए पहले बड़ा एक मामला था कि यार पता नहीं किस तरह से बनेगा। तो नाज़रीन इस चीज को मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये बनाना बहुत आसान अब लग रहा होगा, क्योंकि है आसान। एक छोटी से फीचर को जस्ट ऑन ऑफ करने से आप ये डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो आपके समझने वाली है उसको जरूर समझिएगा। ये वाला जो डिजाइन है इसकी बेसिकली जो ज्योमेट्री आप बनाने जा रहे हैं वो बड़े तरीके से समझ के बनानी होगी। यानी आपने इसके लिए जो भी लाइन स्ट्रक्चर डिजाइन करना है वो इसका बतौर सेंटर लाइन काम करेगा। क्रॉस सेक्शन जो हम बनाएंगे एक्चुअली साइज वो वाला होगा, और आपने जब सेंटर लाइन से सेंटर लाइन के दरमियान वाला फासला देना है और उसका जो क्रॉस सेक्शन बनाना है, इनको आपस में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो आप इसकी ज्योमेट्री को जितने अच्छे अंदाज से बना सकेंगे, ये डिजाइन उतने अच्छे और खूबसूरत अंदाज से बनेगा। इसमें कुछ और हम लोग फीचर ऐड करते हैं। मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल टॉप व्यू पे लेके आता हूँ। अब इसके गिर्द हमने एक बॉर्डर लगाना है, तो वापस हम ड्राइंग में जाएंगे। जैसे ही ड्राइंग में आए, रेक्टेंगल को यूज करें, तो हमने ये रेक्टेंगल ली। रेक्टेंगल को जैसे ही डायलॉग में लाए, तो यहाँ पे हमने पहले 10 की रेक्टेंगल यूज की थी। अब मैं इसको 10.5 के साथ एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। 2D व्यू में आ जाए, तो ये रेक्टेंगल आपने देखा थोड़ी बाहर वाली साइड पे लग गई है। आप इस रेक्टेंगल को वैसे भी चेंज कर सकते हैं इसके सिलेक्शन मोड पे जाके। ये रेक्टेंगल एक्चुअली हमने किस मकसद के लिए लगाई है, आप ज़रा वो समझ लीजिएगा। ये क्रॉस सेक्शन, मैं इसकी कॉपी लेके इसको पेस्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ। जूम करते हैं। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैं थोड़ी सी चेंज करूँगा। इस वक्त इसकी जो विड्थ है 0.25 है, मैं इसकी विड्थ को 0.5 करता हूं। लेकिन इसको 0.5 करने से पहले उसके आपको एक्सिस लॉक करना होगा, क्योंकि मैं इसको तमाम साइडों से एक जैसा बड़ा करना चाहता हूं। तो इसके एक्स वाई लिंक को लॉक किया और मैंने इसको 0.5 कर दिया। जैसे आप इसको सॉरी जी, ये इसका एक्स वाई लिंक लॉक करें, इसको यहाँ पे 0.5 करें और ये तमाम साइडों से एक जैसा ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया। क्लोज किया, बाहर आ जाए। अब आपने इस ऑब्जेक्ट को, ये जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की, इसको सिलेक्ट करना है। ये टूल सेलेक्ट करें, एक्सट्रूड एंड वेव। इसके बाद यूज सिलेक्शन पे आए और ये वाला जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर लें। क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद ये वेव अंडर ओवर को ऑफ करें और इसे अप्लाई कर दें। तो देखें, जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो 3D में आए, तो ये डिज़ाइन में ऐड हो चुका है, उसका फ्रेम बन चुका है, उसके एजेस सारे क्लोज हो चुके हैं। तो इसको क्लोज करके बाहर आ जाएं। अब ये आपके पास फ्रेम है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है कि इसकी जो बेस है उसको भी क्लोज कर दें। तो यहाँ पे मैं बेस को क्लोज करने के साथ साथ आपको एक बहुत ज़बरदस्त इसमें एक और भी टेक्निक देना चाहता हूँ, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अभी आप देखिए डिज़ाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये देखिएगा बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर आपको इस डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा सा इसको उभार चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आप कैसे करेंगे? 2-3 फीचर इसमें हम देखेंगे। एक तो इसको उभार देना कैसे, दूसरा इसके इन होल्स को बंद करना है, वो कैसे करना है। तो नाज़रीन यहाँ पे आप आ जाएं। ये हमारे पास मॉडलिंग में 2D में आए और इस जगह पे ड्राइंग में ले आप एक रेक्टेंगल, साइज उसका वही वाला 10 by 10 लें। ये हमने 10 by 10 का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ये रेक्टेंगल देखें आपके पास मौजूद है। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद आपको वापस मॉडलिंग में आना होगा और सबसे पहला जो टूल था हमारे पास क्रिएट शेप का, वो टूल सेलेक्ट कर लें। उसकी 3D प्रोफाइल पे आ जाएं। टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होंगी, इनको ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने उसको ले लिया उसकी शेप प्रोफाइल शेप के साथ, कर्व प्रोफाइल, और इसको अप्लाई करते हैं। ये देखें जी, जैसे ही हमने उसको अप्लाई किया तो आपके सामने ये वाली चीज़ निकल आई। तो ये मैं कह रहा था कि अगर हम उसके दरमियान में उसको उभार देना चाहते हैं तो वो आप कैसे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से बिल्कुल उसको माइनर सा एंगल दे दूँ 5 या 10 डिग्री का, तो ये खूबसूरत हो जाएगा। अभी वो लोडिंग चल रही है उसकी। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे सिर्फ 10 डिग्री उबार दिया और जैसे ही आप 10 डिग्री उबार दे के उसको अप्लाई करवाएंगे तो दो चीज़ें, एक तो वो ऑटोमेटिकली उसके नीचे से उसने उसकी फिलिंग कर दी है, जो आर पार होल नज़र आ रहे थे उनकी उसने फिलिंग कर दी है। अगर आप उसको कॉनिकल करते हैं तो कोनिकल में उसका बिल्कुल वो दरमियान से ये देखें नोक ऊपर उठ जाएगी, ये नोक उसकी बन गई। इसी तरह से आप इसको करेंगे बिल्कुल फ्लैट शेप पे, तो फ्लैट शेप पे आपने देखा कि वो उसको थोड़ा सा एक्चुअली हम उसको यहाँ पे थोड़ा सा उबार देना चाहते हैं, तो कितना उबार देते हैं, मैं यहाँ पे 0.1 to 5 का उबार दे रहा हूँ उसको। अब ये ज़रा समझिएगा, दो तरीके हैं उबार देने के, एक तो आप उसको गोलाई में यानी प्रोफाइल शेप में, दूसरा कोनिकल में, और तीसरा आप उसको फ्लैट फॉर्म में उसमें उबार दे सकते हैं। लेकिन फ्लैट फॉर्म में जब देंगे तो सिर्फ उसका यहाँ पे सिर्फ उसके अंदर एक फीलिंग होगी। तो नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपके लिए बड़ा सूदमंद होगा, आपको इसका बड़ा फायदा होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह ताला आपको इसी पैटर्न में, इन्हीं वेव्स की मदद से कुछ और डिज़ाइन बनाने भी बताऊंगा, और मैं डिज़ाइन यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं। और मेरे अगले लेक्चर से पहले पहले मैं इस उम्मीद के साथ हूँ कि आप उस आइडिया को अप्लाई करके, क्योंकि मैंने उसकी कमांड सारी आज बता दी है, उस आइडिया को आप खुद से करके ये डिज़ाइन बना सकेंगे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। नाज़रीन एक ये वाला डिज़ाइन है, मैं इसको बतौर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला डिज़ाइन भी शामिल होगा, इसी तरह से उसमें ये वाला डिज़ाइन भी शामिल होगा, और इसी तरह से मैं मेन आपको इन डिज़ाइन की टेक्निक्स बताऊंगा, डिज़ाइन आप बहुत अच्छे और इससे बेहतर बना सकेंगे। हमारे चैनल को लाजमन शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को लाइक करें, और स्पेशली मुझे इंतज़ार रहता है कि आप लोग अच्छे कमेंट्स भी करें ताकि मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।